तो हेलो नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग ऑन टेरेस पे। तो आप देख सकते हैं कि आज मैं अपने टेरेस पे हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई गार्डन नहीं है देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूँ गुड़गांव। और गुड़गांव के कौन से सेक्टर में हूँ ये तो मुझे ठीक से नहीं पता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोकेशन कितना ही सुंदर लग रहा है। चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन इस लोकेलिटी की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये है कि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और हरियाली आपको चारों ओर देखने को मिलेगी। तो आज जो डेट है ना वो है 15 अक्टूबर 2022, और अभी बज रहे हैं सुबह के, मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ टाइम देखकर मोबाइल में, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:33, यानी 8:33। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है वो बिल्कुल कितना अच्छा माहौल है, और क्योंकि आज डेट है 15 अक्टूबर 2022, तो ठंड का भी जो है ठंड ने भी दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं कि चारों ओर बिल्कुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही हैं, एक बिल्डिंग वहाँ दिख रही है, एक बिल्डिंग वहाँ दिख रही है, और उसी तरीके से एक बिल्डिंग यहाँ दिख रही है, एक बिल्डिंग यहाँ दिख रही है, और एक बिल्डिंग यहाँ दिख रही है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक वो रहा, उसके बाद यहाँ भी आपको दिख रही होगी, और उसके साथ ही वहाँ पे एक पार्क भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मतलब बहुत ही अच्छा माहौल है, और आप देख सकते हैं कि ये जो लोकेलिटी है उसमें गाड़ी पार्किंग भी है, और लोगों ने बहुत अच्छे से अपने, बहुत ही व्यवस्थित लग रहा है। और ये देखिए, ये एक पीपल का पेड़ है, तो क्योंकि मेरा चैनल जो है वो गार्डनिंग ऑन टेरेस है तो गार्डन तो आपको दिखाना बनता है। और ये एक नीम का पेड़ है, इधर भी गुलमोहर का पेड़ लगा हुआ है, और ये जो है वो सोसाइटी का रोड है, और आप देखिए कितना सुंदर है। और वहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि एक गेट भी है एंट्रेंस पर, और वहाँ पर गार्ड भी बैठे होते हैं ताकि वो जो है इन गाड़ियों की, इन बाइक्स की, साइकिल्स की सुरक्षा दे सकें। और तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको और भी इस लोकेलिटी के बारे में बताऊंगा धीरे धीरे। और आप देखिए कि ये जो गुलमोहर का पेड़ है उसमें येलो शावर है ये बेसिकली, और आप देखिए कि ये अभी ब्लूमिंग स्टेज में है और कितना ही सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बिल्कुल गार्ड, जब भी कोई गाड़ी जाती है या आती है या फिर कोई भी बंदा आता है या जाता है, बाइक्स भी आती हैं या जाती हैं, तो ये जो गार्ड हैं वो गेट खोल देते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक लोकेलिटी बहुत ही अच्छा है। और दूर में भी अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो उधर भी बहुत ही बड़े बड़े टावर्स हैं। एक सेकंड मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। यार मेरा कैमरा जो है ना वो बहुत ही सस्ते वाला है, क्योंकि मैं मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि मतलब मैं GoPro या एप्पल ख़रीद सकूं, लेकिन जो भी है ठीक है, आपको दिखाना है, दिख रहा है ना, बस ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी एक सामने में बिल्डिंग दिख रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि बच्चों के खेलने के लिए ये एक बहुत बड़ा पार्क है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तब, क्योंकि यार आपका टाइम लगेगा ना वीडियो देखने में, और टाइम बर्बाद मैं किसी का बिना मतलब का करना नहीं चाहता हूँ। तो जिनको इंटरेस्ट होगा वही देखेंगे और वही कमेंट करेंगे, और उन्हीं को ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन यार आप जहाँ भी रहो वहाँ पे ग्रीनरी बना के रखो, उससे एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इन सब बिल्डिंग्स के बीच में जब कबूतर उड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे आप देखो कि एक कबूतर उड़ते हुए जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं और भी इस तरीके का वीडियो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये लोकेलिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मतलब छोटे घर भी हैं, आप देख सकते हैं 3 तल्ले वाले घर भी हैं और बड़े बड़े टावर्स भी हैं, तो आपको जैसा मन है आप वैसा मतलब यहाँ पर रह सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और पार्क दिखाने की मैं आपको इसी वीडियो में थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा पार्क का एरिया है, पूरा पार्क के चारों तरफ बिल्कुल पेड़ ही पेड़ हैं। और जब ये देखो, ये मेरा घर है, मतलब मेरा घर नहीं है ये, मतलब मेरे फ्रेंड का घर है, मैं उनके घर पे आया हुआ हूँ, रुका हुआ हूँ। और ये देखिए बिल्कुल इनके घर से सटा हुआ कितना अच्छा जंगल टाइप का एक पूरा माहौल है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं इससे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस लोकेलिटी की दिखाऊँगा। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस तरीके का लोकेलिटी आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो उससे मैं समझ जाऊँगा कि इस तरीके का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। और मैं आपको और भी बहुत ही अच्छा अच्छा लोकेशन दिखाऊँगा, जो कि आप जहाँ जाना चाहेंगे। और तो ठीक है, थैंक यू सो मच।